लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की केंद्र सरकार को मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि की ज्यादा चिंता है, हिंदुस्तान के बच्चों की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को हिंदुस्तान के बच्चों की, और भारत सरकार को अरविंद केजरीवाल जी की चेतावनी को, उनके सुझाव को एक सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है ये वही बात है जो सिंगापुर के खुद के शिक्षा मंत्री ने आज से दो दिन पहले कही, जो भारत सरकार के एडवाइजर हैं उन्होंने, राघवन साहब ने बोली कि अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ये बच्चों के लिए घातक, B1.1.167 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा। पर भारत की सरकार ने तब तो सिंगापुर पे कोई आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने हमसे सारी फ्लाइटें बंद कर दी तब भी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन क्योंकि एक विरोधी दल के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया तो आपने उसका इतना बतंगड़ बना दिया। लेकिन आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में आप ये छोड़ दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। आज एक माता पिता के लिए सौरभ भाई सबसे ज्यादा जरूरी इस महामारी में अपने बच्चों को बचाना है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि प्रधानमंत्री की छवि को बचाना है। बीजेपी इमेज मैनेजमेंट में लगी है, हम लोग बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, कितने पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए जाएं। अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और देश में चुनावा प्रतिनिधि बिल्कुल कॉम्पिटेंट है अपनी केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने का। आप अगर हालात देखिए इस समय, केवल सिंगापुर नहीं दुनिया के कई कोनों में ये कोरोना रूपी राक्षस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ले रहा है। हमारे राज्य में भी, हमारे भारत देश में भी बच्चे हैं, हमें उनकी भी चिंता है। अगर हमारे बच्चों पर वो वेरिएंट हावी हो रहा है तो हमें, या हो सकता है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। 18 साल से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन तो इनसे होने नहीं क्योंकि इन्होंने सारी वैक्सीन पाकिस्तान और अन्य देशों को भेज दी। अब 18 साल से कम आयु के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनको वैक्सीन करने के लिए, उनको सुरक्षा कवच पहनाने के लिए इनके पास दूसरी मांग थी राघव जी।